पूरे देश में एक दहशत का माहौल है, उसे आपको रूबरू कराने और आपके माध्यम से पूरे राज्य और देश को रूबरू कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। शुरुआत इस बात से की जा सकती है कि मोदी सरकार का कमाल जनता के पैसे लूटकर अडानी हुआ कंगाल। आज स्थिति देश में ही कुछ इस प्रकार की है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारी क्या हालत हुई पड़ी है और किस तरह से देश का सदन चल रहा है, संसद भवन में चर्चा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज चुप बैठे हैं। जिस तरह से LIC का पैसा अडानी के पीछे लगाया गया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो हम दो हमारे दो की बात हम कहते थे, अब दो हम दो हमारे दो के साथ साथ और दो जो हमारे LIC और SBI थे उसको भी बर्बाद करने की योजना कुछ अपने साथियों को मदद करने के लिए इन लोगों ने बना ली है। और कल क्या हो ना हो, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आपको परसों SBI के तमाम ATM में हजारों लाखों की संख्या में लोग लाइन में लगे दिखाई देंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से लगातार बाजार में अडानी के शेयर वैल्यूज गिर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने शेयर को 43 गुना बढ़ा करके बेचने का काम किया था और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ का, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये नुकसान जनता के पैसे का हुआ है और इस नुकसान से पूरा देश हम समझते हैं कंगाल होने की स्थिति में है। 40 करोड़ के लगभग निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी LIC में लगाई थी उनके भविष्य का सवाल है और LIC में जो अडानी इंटरप्राइजेज है 1% से बढ़ाकर LIC ने 4.23% अपना निवेश कर दिया था। ये किसके इशारे पे हुआ था, आप किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से मित्रता दिखाई देती है प्रधानमंत्री जी को कि उससे हम कह सकते हैं कि मित्र काल के हम दो हमारे दो देश की संपत्ति बेच दो का नारा कहीं ना कहीं बुलंद होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सबसे बड़े कारपोरेट फ्रॉड का इल्जाम लगा है उसमें हमें लगता है कि आज देश में जो लोग बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, वित्त मंत्री हों, सभी लोगों को इस पर चीजें स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका चाहे करोड़ रुपया भी है, अगर बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। ये RBI का गाइडलाइन है। तो ऐसी स्थिति में देश पहुंचा हुआ है और प्रधानमंत्री जी चुप रहे, चुप जो है समझ से परे दिखाई देता है। LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर और SBI के 45 करोड़ खाताधारकों के साथ धोखा हो रहा है और आप देखेंगे तो जो हमारे पास आंकड़े हैं वो अडानी इंटरप्राइजेज में 1% से कम LIC की हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% हो गई। अडानी टोटल गैस में यह हिस्सेदारी 1% से कम थी, बढ़कर के 5.96% पहुंच गई। अडानी ट्रांसमिशन में LIC की शेयर धारिता 2.42% से बढ़कर के 3.65% हो गई। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से भी कम थी, वो 1.28% हो गया। LIC का आधिकारिक रूप से कहना है कि LIC का अडानी में इक्विटी एक्सपोजर 56,142 करोड़ रुपया है और LIC के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के 33,060 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो देख पा रहे हैं, जिस तरह से स्टेट बैंक का भी मामला है, स्टेट बैंक के ऑफ इंडिया
अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को ऋण दिया था उसमें 38% जो है ऋण भारतीय जो सरकारी बैंक है उनका है, 80,000 करोड़ रुपया का कर्ज है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।